इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेसबुक प्रोफाइल का यूआरएल जो है चेंज कैसे करेंगे या फिर आप सेट करना चाहते हैं तो आप कैसे सेट करेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है यूआरएल है यहाँ पे, ये मेरा टेक्नो सुभाष 0 जो दिख रहा है, ये आप जो है आपका यूजर नेम ये हो जाएगा, तो कोई भी आपको सर्च करेगा इस नाम से भी तो आपका आईडी ओपन हो जाएगा, या फिर आप जैसे ही लिंक किसी को अगर शेयर करके कॉपी करके और किसी को शेयर करते हैं तो आपका यूजर नेम आपका लास्ट में जो है .com के बाद आपका यहाँ पे जो है ये नाम यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाला जाएगा। तो कैसे जो हम ये ऐप चेंज कर पाएंगे या फिर आप नया बनाना चाहते हैं तो बना पाएंगे, तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा बैक, मैं यहाँ से हो जाता हूँ। उसके बाद आपको जो है एक मैसेंजर ऐप होता है इसका, ये देख रहा है मैसेंजर, तो इसको आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आईडी उसमें लॉगिन करके उसका जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब आपको जो है ऊपर में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि आपको यूजर नेम चेंज करना है। ऊपर में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको साइड में सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे, ये सेटिंग का, तो आपको जो है इस सेटिंग वाले पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेटिंग वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है यूजर नेम, इसी में आपको जो है यूजर नेम अपना चेंज कर पाएंगे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है एडिट यूजर नेम पे क्लिक करना है क्योंकि आपको जो है एडिट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो मेरे पास जो ये जो है टेक्नो सुभाष ये मैंने पहले से लगा रखा था, तो अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अपना चेंज करना चाहता हूँ, तो जो पहले से अगर होगा वहाँ तो उसको हटा देना, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप नया बनाना चाहते हैं नया बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हटा दिया पहले वाले को, उसका जो भी मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ नया, आप अपने नाम का जो भी बनाना चाहते हो वो डाल देना है यहाँ पे, अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो मैंने सुभाष यादव ऐसे डाल दिया, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे पास ये यूजर नेम अवेलेबल अभी नहीं है, देख रहा है करंटली दिस यूजर नेम ये नॉट अवेलेबल, यानी कि ये जो है अवेलेबल नहीं है, कोई और इस यूजर नेम को ले रखा है बना रखा है, तो हमको इसमें और भी कुछ अक्षर जानना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में वो एक और डाल देता हूँ, तो देखता हूँ ये भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको जो भी है बार बार अक्षर चेंज करके देखना है। फिर एक और मैं वो डाल देता हूँ तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अवेलेबल है, और ऊपर में जो है सेव वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ये सेव वाला हाईलाइट हो जाएगा, जब तक सेव वाला हाईलाइट नहीं होता है यहाँ पे रेड कलर के आ जाता है तब तक आपका जो ये अवेलेबल नहीं है। तो आपको चेंज कर करके आपके नाम का नंबर वंबर डाल करके जो है आपको उसी पे यूजर नेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप चाहते हैं बनाना वो अगर कोई और ले रखा है तो उसको आप नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पे ऊपर में जो है सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाईलाइट में, तो मेरा जो है सुभाष यादव मैं ये रख दिया, अब मेरा यूजर नेम यही रहेगा। फेसबुक का आप भी सर्च करना चाहते हैं तो फेसबुक में सर्च करेंगे तो मेरा ये आईडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है, ऊपर में सेव पे क्लिक कर देना है, और ऊपर में सेव वाले पे क्लिक करने के बाद जो आपका जो यूजर नेम है यहाँ पे सेव हो जाएगा। एक बार सेव वाले पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब देखने के लिए आपको जो है सेव हुआ कि नहीं हुआ आपका यूजर नेम, तो यहाँ पे बैक आएंगे तो देख पा रहे मेरा जो पहले से था अपडेट हो चुका है, अभी सुभाष YADBO 2 और लास्ट में 2 और लग रहा है, तो ये जगह यानी कि अपडेट हो चुका है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे फेसबुक में जाकर कि मेरा जो यूजर नेम वहाँ पे टेक्नो सुभाष लास्ट में 0 दिखा रहा था तो वहाँ पे वो चेंज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम इस वाले पे क्लिक करेंगे 3 लाइन वाले पे और 3 डॉट पे, उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे मेरा यूजर नेम पहले जो आपको दिखाया शुरू में तो वहाँ पे सुभाष टेक्नो सुभाष 0 दिख रहा था, और यहाँ पे ये जो है अभी चेंज हो चुका है और यहाँ पे मेरा न्यू यूजर नेम ये हो चुका है। इस प्रकार से जो आप अपने फेसबुक का यूजर नेम को चेंज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हुआ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।